नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, देश में मुसलमानों के खिलाफ हो रही वो घटनाएं अब और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। चाहे मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को मारना हो या फिर उनके बार कोड को देखकर ये पता करना हो कि आखिरकार इसका धर्म क्या है और इसकी जाति क्या है। इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और अब इसको लेकर के चर्चाएं भी खूब होने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या इसके पीछे एक ताकत काम कर रही है? क्या ये जानबूझ करके समाज के भीतर इस तरीके की नफरत को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए जो है इसको कहीं ना कहीं हवा दिया जा रहा है और इस पर रोकथाम करने के बजाय इस पर बोलने तक से परहेज किया जा रहा है। दरअसल बीते कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग की घटनाएं कई हद तक बढ़ गई है और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के अब आपने मुस्लिम सांसदों को भी देखा होगा कि संसद के भीतर वो किस तरीके से इस बात का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक समुदाय के खिलाफ लगातार इस तरीके की भावनाएं पनप रही है और सरकार इसको रोकथाम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। दरअसल फिर से एक बार झारखंड में इस तरीके की घटना घटी है, फिर से एक बार मुंबई के धारावी में इस तरीके की घटनाएं घटी है और फिर से एक बार वो सवाल जन्म ले लिया है, क्या फिर से एक बार राजनीतिक जीत हासिल करने के लिए ये स्थिति जो है पनपने वाली है? दरअसल अशरफ हुसैन नाम के एक यूजर ने जो पोस्ट लिखा है वो आपको भीतर से झकझोर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिरकार देश में एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने का ये जिम्मा किसने लिया है और कौन ये खेल खेल रहा है, कौन इस देश के अमन में भंग डालने का काम कर रहा है। अशरफ हुसैन ने जो पोस्ट लिखा है, झारखंड के रांची में एक मुस्लिम युवक की भीड़ द्वारा पिटाई का आरोप, साथ ही धार्मिक नारे भी लगवाए। देखिए ये घटना जो है ये लगातार ठीक इस तरीके की घटनाएं आपको हर दिन गुच्छे में पढ़ने को सुनने को मिल जाएगी और इसको लेकर के अब तक कोई कड़ी कार्रवाई जो है वो भी नहीं हो रही है। खास करके एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या मुस्लिम समाज अपने ऊपर हो रहे उन तमाम जुल्म और ज्यादती को लेकर के क्या जाग नहीं रहा है? क्या वो सो चुका है और क्या उनके भीतर अब पूरे तौर पर ये आत्मसम्मान की भावना भी क्या मर चुकी है? क्या वो इस भरोसे बैठे हैं कि कोई नेता आएगा, कोई विपक्ष का चेहरा आएगा और उनके ऊपर हो रहे इन तमाम जुल्म को लेकर के सवाल खड़े करेगा और एक जादू की छड़ी घुमाई जाएगी और ये तमाम लोगों की जो मानसिकता है जो उनके खिलाफ लगातार इस तरीके के जो है जुर्म को अंजाम दे रहे हैं वो खामोश बैठ जाएंगे? इसका जवाब बिल्कुल भी ये नहीं है दर्शकों। आपको लड़ना पड़ेगा और आपको अपने खिलाफ हो रहे उन तमाम अत्याचारों के खिलाफ लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरकर अपने विरोध को जताना। पोस्ट किया गया है द मुस्लिम नाम के एक्यूजर के द्वारा, लोकेशन धरावी मुंबई की है। मुस्लिम स्वामित्व वाली दुकान की पहचान कर तोड़फोड़ की गई। अरविंद अग्रहरि की हत्या के विरोध में बजरंग दल द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। देखिए महाराष्ट्र में इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और महाराष्ट्र में अगर इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका चुनावी कनेक्शन है। आपको याद होगा कि किस तरीके से कोल्हापुर में मस्जिद के ऊपर चढ़ करके
उसके गुंबद पर हथौड़े चलाए गए थे, उसके गुंबद को तोड़ दिया गया था, मस्जिद में किताबें जला दी गई थी, मस्जिद के बाहर नारेबाजी की गई थी। और यह घटना को हुए मात्र कुछ हफ्ते ही बीते हैं कि फिर से एक बार मुंबई के धरावी में ठीक इस तरीके की, नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम के खिलाफ इस तरीके की घटनाएं जो है हुई है, और उनके दुकानों में तोड़फोड़ की गई। आप सोचिए कि जो नेम प्लेट का पूरा विवाद आया था, नेम प्लेट को लेकर के जो पूरा का पूरा मामला चल रहा था, उसमें यही तो मूलभूत सवाल थे, क्या सरकार जानबूझ करके मुस्लिम के पहचान को उजागर करना चाह रही है, क्या जानबूझ करके एक निशान लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके ऊपर प्रहार किया जा सके, उसकी दुकान में तोड़फोड़ की जा सके और उसको निशाना बनाया जा सके। दरअसल यही विरोध था, वरना लोग ये कह रहे थे कि नाम बताने में क्या परहेज है, नाम बताने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन आपकी मंशा पर सवाल है, आपके इरादे पर शक है और आपकी नीति पर भरोसा नहीं है। डॉक्टर शुएब जमाई ने एक पोस्ट लिखा है, अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ असद ओवैसी साहब, दिल्ली AIIMM डिमांड्स फॉर 5% मुस्लिम रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट। IIIM दिल्ली के मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 5% आरक्षण की मांग करती है। इस मुद्दे पर हम 15 अगस्त के बाद दिल्ली के अंदर राज्यव्यापी मुहिम की घोषणा करते हैं। डॉक्टर शुएब जमाई जो कि IIIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने ये बड़ी बात उठाई है और ये कहा है कि 5% आरक्षण जो है शिक्षा व्यवस्था में मुसलमानों को और सरकारी नौकरियों में मिलनी चाहिए। लेकिन क्या सरकार के कानों पर ये जू रहेंगेगी, क्या सरकार इसको लेकर के कोई फैसला ले पाएगी, ये बड़ा सवाल है दर्शकों। चूंकि चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, हर चेहरा अपने अपने तौर पर पीछा छोड़ाने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि आज आप देखिए कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है, इस तरीके का मुद्दा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ अब तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकी है। वहीं आपको एक बड़ी खबर भी बता दूं दर्शकों, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना घटी थी उसको लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरे सोराब नाम के एक यूजर ने लिखा है, मुखर्जी नगर में मशहूर टीचर विकास दिव्यकृति के घर के बाहर और दृष्टि आईएएस के पास छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। MCD ने विकास दिव्यकृति का बेसमेंट में चल रहा कोचिंग भी सील किया है। अब सोचिए कि इस तरीके की जो इलीगल ढंग से शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं, क्या इस पर सरकार की पहले से नज़र नहीं थी, और क्या सरकार इसको लेकर के पहले से पूरे तौर पर जो है किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर प्लानिंग नहीं कर रही थी, और क्या इस पर पहले से अंकुश नहीं लगना चाहिए था, क्या मौत हो जाने के बाद ही सरकार जागती है, क्या इस बात का हमारा सिस्टम इंतज़ार करता है कि पहले मौत हो जाने दीजिए उसके बाद इसके दुरुस्त करने को लेकर के किसी तरीके का कोई फैसला जो है वो लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो लगातार इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की चीज़ें जो है वो चल रही है, लेकिन इस पर अंकुश लगाने का नाम तक नहीं लिया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ, ST OBC के खिलाफ लगातार एक तरीके का नैरेटिव, एक तरीके का माहौल सेटअप किया जा रहा है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस नफरत भरी मानसिकता के तहत लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरी बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं दर्शकों, क्या वाकई अब इसके खिलाफ समाज को बेहतरी तौर पर जागने की जरूरत है और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है? इस पूरे बातचीत पर आप अपनी राय जरूर रखें, जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।